तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिखा डॉल व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक। अमरकंटक का प्यारा प्यारा सा व्यू दिखाऊंगी आप लोग को और वहां का मंदिर दिखाऊंगी। और ये देखिए कितना प्यारा सा ये पहाड़ दिख रहा है, ऊपर का नज़ारा है जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और अभी हम लोग पेंड्रा से अभी अमरकंटक के लिए निकले, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अमरकंटक। तो ये देखिए, और ये देखिए आप लोग, ये दुर्गा मंदिर है। और आप लोग अमरकंटक जाते हैं तो वहाँ का रास्ता आप लोग को तो पता ही है। आप लोग ये देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वहाँ का रास्ता कैसा है। और नीचे का जो नज़ारा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है अगर आप अमरकंटक के रास्ते में जाओ तो। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अमरकंटक, ये देखिए। और ये है अमरकंटक का मेन चौक। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो चलो दोस्तों, आप लोग को मैं मंदिर की ओर ले जाती हूँ और मंदिर का खूबसूरत सा प्यारा सा नज़ारा दिखाती हूँ। और वहाँ की मूर्तियाँ कैसी हैं और वहाँ का मंदिर कैसा है सब आप लोग को दिखाऊंगी और प्यारा प्यारा सा व्यू दिखाऊंगी, एक्सप्लोर करूंगी। तो चलो, और आप यहाँ पूजा का सामान ले सकते हैं। और बहुत सारी ये देखिए स्टॉल लगी हुई है। और अभी मैं लूँगी पूजा का सामान, नारियल ले रही हूँ मैं अभी। तो ये देखो, मैं नारियल ले चुकी हूँ और अभी मैं जाऊंगी वहाँ मंदिर के अंदर जाऊंगी नारियल चढ़ाने के लिए। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये नर्मदा मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलो मैं आप लोग को ले के जाती हूँ मंदिर के अंदर की ओर। और ये नर्मदा मंदिर है, ये देखिए। और अभी मैं जाऊंगी यहाँ नारियल चढ़ाने के लिए। वहाँ मंदिर के अंदर मतलब फोटो वीडियो बनाना मना था, तो मैं अंदर का नहीं ले पाई। अभी उतना भीड़ नहीं है क्योंकि जब कोई फेस्टिवल रहता है उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, जैसे कि महाशिवरात्रि और नवरात्रि के टाइम में, ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ अमरकंटक में। और ये हवन कुंड है जहाँ हवन किया जाता है।
और चलो मैं आप लोग को और आगे लेके जाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ये हवन कुंड की ओर। अभी मेरे को ये बाबा बैठे हैं, उनके पास जाऊँगी मैं। मेरे को रक्षा सूत्र बंधवाना है और मैं वहाँ गई तो वो बाबा मेरे को पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हो। तो मैं बताई कि हम लोग पेंड्रा से आए हैं, पेंड्रा रोड से आए हैं। और ये बाबा देख नहीं सकते हैं लेकिन ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। तो ये देखिए, और ये है नर्मदा माता का उद्गम स्थल। और ये देखिए, ये हाथी है जो ऐसा बोलते हैं कि हाथी के नीचे से कोई अगर जाता है और हाथी के नीचे से बाहर निकल जाते हैं वो अपने लाइफ में कोई भी पाप नहीं करते, और जो हाथी के नीचे फंस जाते हैं मतलब कि वो अपने लाइफ में पाप किए हैं ऐसा मानते हैं। और ये देखिए, ये माता रूंगी का मंदिर है। ये देखिए, और ये देखिए, ये शिवलिंग है हमारे महादेव, हर हर महादेव। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये देखिए। और ये सूर्य मंदिर है, ये देखिए। और ये देखिए, माता नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ से माता नर्मदा जी का उद्गम स्थल माना जाता है यहाँ। और ये देखिए, ये सूर्य देव हैं और ये माँ नर्मदा हैं। ये देखिए माँ नर्मदा, और ये माँ नर्मदा का उद्गम कुंड है। ये देखिए नीचे साइड, ये माता नर्मदा का उद्गम कुंड है नीचे में। तो आप लोग देख सकते हो ये माँ नर्मदा का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है। यहाँ साफ सफाई पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये है नर्मदा मंदिर जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और भव्य है। चलो अभी उस साइड तो मंदिर है, उधर हम लोग अभी नहीं गए हैं, तो अभी मैं वहीं जाने वाली हूँ। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये शायद मन्नत वाला है, ये जो बना हुआ है, ये शायद मन्नत वाला है। देखो दोस्तों, अब मेरे को उतना नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल से ये मन्नत, कोई मन्नत मांगते हैं तो उसी लिए शायद इसे चुन्नी को बंधी है। ये चुन्नी बांधी मतलब मैं वो ले रही थी, नारियल ले रही थी, उस टाइम मिला था। चलो मैं
तो चलो दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ का मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा है और अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए ऊपर में शिव परिवार लिखा हुआ है। तो चलो अंदर की ओर। और यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो दो बार आ चुके हैं। तो यहाँ का मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और भव्य है। और अभी हम लोग जा रहे हैं राधा कृष्ण के मंदिर में। तो चलिए प्रवेश द्वार में लिखा है अंदर आना मना है, तो हम लोग नहीं गए। और ये देखिए ये नंदी है, उनके कान में आप कोई विश मांगना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है ऐसा माना जाता है। और ये देखिए और ये देखिए ये माँ नर्मदा है, यहीं से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। और हम लोग अभी मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। और दोस्तों आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं जैन मंदिर साइड, जो आगे साइड है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस।